सनराइज नहीं हुआ है अभी तक। गुड मॉर्निंग डॉक्टर प्रशांत, चलो। ये है घर के पास वाला लेक। तो ये है हमारा बढ़िया सा लेक जो आप काफ़ी बार देख चुके हो, वो है सुवर्ण सौदा। और ये जो है ये हमारा नेटिव गांव है ओरिजिनल, और ये हमारे गांव का लेक है। बहुत सुंदर लगता है मुझे ये। बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे, लेकिन आज हम लोग किसी और चीज़ के लिए जा रहे हैं, वो करेंगे पहले। यहाँ से एक रोड जाना चाहिए, उसके लिए एग्जैक्टली पता नहीं है, ट्राई करते हैं। यहाँ पे एक झील है, एक और कहाँ आ गए भाई हम, ये तो दिख रहा है हमको, जाना है उधर, लेकिन देखते हैं। चलो लिटरली नो रोड्स, ऐसे ही जाए जा रहे हैं। गए हम हमारे मंजिल पे, तो दिल थाम के बैठिए। ये वो झील है जो मैंने आपको कल भी दिखाई थी, लेकिन हम लोग दूसरी तरफ आए हैं। ये बहुत बड़ा है, बहुत डीप है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक नोटिस भी लगाया गया है, उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है कि ये बहुत डीप है, यहाँ पे कुछ वॉशिंग स्विमिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, तो वो इसमें बताया है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये। बढ़िया सा नज़ारा, बहुत सारे बर्ड्स हैं यहाँ पे, अभी सूरज अब उग रहा है। तो अभी जाते हैं उस तरफ, क्योंकि बर्ड्स जो थे वहां पे बहुत दिख रहे थे। यहाँ पे हमारा व्यूइंग एंगल जो है वो बहुत लिमिटेड है। ये एक और लेक है, जैसे मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि घर के पास कम से कम 20 लेक हैं ऐसे। ये भी नज़ारा बहुत बढ़िया है, एक दिन वहाँ पे जाएंगे हम लोग कल परसों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और बढ़िया सी दिन में और संडे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है डॉक्टर प्रशांत और आज हम लोग हैं कल की स्पॉट पे। आपको मैंने कहा था कि अगर सिनेमैटिक वीडियो और ड्रोन वीडियो आपको देखनी है तो आप कमेंट में यस कीजिए, और बहुत लोगों ने कमेंट किया। कल की जो मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने दो पिकॉक और हॉर्नबिल देखा था, और काफ़ी सारे बर्ड्स यहाँ पे देखे थे। अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए।
कल मैं इसकी बात कर रहा था, ये है हॉर्नबिल, काफ़ी बड़ा होता है ये। इस झील के बारे में मैंने पूरे डिटेल्स कल की वीडियो में दी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसे देख सकते हो। तो चैनल के अपडेट ये है कि चैनल का जो सारे एनालिटिक्स है वो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हर दिन जुड़ रहे हैं। 365 डेज का जो हमारा चैलेंज है उसका आज 21st डे है। आज एक माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि आप कोई भी हैबिट अगर 21 डेज के लिए करते हो तो उसके ऑटोमेटिक होने का और उसके लॉन्ग टर्म चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 21 डेज हमने किसी भी टास्क को मिस नहीं किया है और सभी टास्क बहुत बढ़िया चल रहे हैं। उम्मीद है आप जो फॉलो कर रहे हो, जो भी लोग ये 365 डेज का चैलेंज मेरे साथ कर रहे हैं, वो लोग भी इसको बिना मिस किए कर रहे हैं। और अब वक्त है स्पेशल वीकली गिव अवे का, यानी कि जिन्होंने भी इस वीक ज़्यादा मैक्सिमम कमेंट किए हैं उनका नाम है रोहिणी कनबरकर और इन्हें मिलता है मेरी एक स्पेशल पेंटिंग विद अ मैसेज। रोहिणी जी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी जो पिछली गिव अवे के विनर थे रश्मि जी, उन्होंने एक प्यारा सा पिक भेजा है, थैंक यू वेरी मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ये हमारे दोस्त हैं जो रेगुलरली कंट्रीब्यूट करते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, इनको भी मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप जीतना चाहते हैं वीकली गिव अवे तो कमेंट कीजिए, आप मल्टीपल कमेंट्स भी कर सकते हो। कल से एक नए वीक की शुरुआत, थोड़ी इंक्रीमेंटल चेंजेस हम लोग करेंगे और कल से हम लोग फोकस करेंगे डाइट के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जाने से पहले एज यूजुअल एक शायरी या कहावत, हार तब होती है जब मान लिया जाए और जीत तब होती है जब ठान लिया जाए। इसीलिए कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत। मिलते हैं कल शाम 5 बजे एक और ऐसी ज़बरदस्त जगह पे। अलविदा।